हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि और आपका स्वागत। आज मैं आपको बहुत आसान ट्रिक में एक स्टाइलिश क्रॉप टॉप बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि आप बिना सिलाई मशीन के भी बना सकते हो बहुत इजीली। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक लेगिंग या ट्रैक पैंट, आपके पास जो भी घर में हो वो इसके लिए चाहिए होगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये मेरे पास एक लेगिंग है, तो देखिए लेगिंग ऐसा है। कुछ नहीं करना, आपने इसको पहले फोल्ड करना है, फिर इसका ये यहाँ इस एरिया से मेजरमेंट लेके जितना आपको नेक चाहिए, डीप नेक, लो नेक, जितना आपको नेक चाहिए वो आपको जिस शेप में चाहिए, सपोज़ आपको वी शेप में नेक चाहिए या राउंड शेप में चाहिए, तो आपको वैसे करना पड़ेगा। तो सीधा या आप यहाँ से टू इंचेस या वन एंड हाफ इंच लेके, मैंने वन एंड हाफ इंच लिया है, लेके इधर भी वन एंड हाफ इंच या टू इंच पे राउंड कर लीजिए ऐसे। ये आपका राउंड हो गया है, इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये कट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्लीव्स लेने हैं, आपको कितना लंबा स्लीव आपको चाहिए। ये आपका स्लीव एरिया है, यहाँ से 3-4 इंच आप ले लीजिए। पहले शोल्डर के अराउंड आता है ये, 3 इंच आपका सपोज शोल्डर है, शोल्डर के बाद यहाँ से स्लीव ले लीजिए जितना आपको चाहिए। मैं यहाँ से 9 इंच पे स्लीव लूँगी, ये मेरे 9 इंच पे स्लीव है। इसको स्ट्रिप मिला लीजिए, इसको भी कट कर लीजिए। ये आपका टॉप बन गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसे हेम करना है, इसके नेक एरिया को और स्लीव एरिया को आपको हेम करना है। तो हेम आप सुई की मदद से भी कर सकते हैं, देखिए मैं कर रही हूँ। सिंपली ऐसे हेम कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मैंने इसको हेम कर लिया है, तो नेक इस टाइप से अब आपको दिख रहा होगा, नेक बन गया। तो अब थोड़ा हम इसके स्लीव्स में स्टाइलिंग करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मेजर कर लेना है, आगे मेजर करके मार्क करना है कहाँ तक आपको स्टाइलिंग चाहिए, कहाँ तक नहीं चाहिए, वो मार्क करना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से 2 इंचेस पर मार्क कर लूँगी, 2 इंच पे मार्क कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से रैंडमली ये शोल्डर आपने 3 इंच पे मार्क किया हुआ है, शोल्डर को छोड़ते हुए रैंडमली यहाँ से ऐसे कट करना है, सर्कल बनाते हुए, हाफ सर्कल बनाते हुए ऐसे मार्किंग कर लीजिए। ये आपकी मार्किंग हो गई, इसमें कट करना है। सेकंड जो आपको स्ट्राइप काटनी है दोस्तों, वो आपको हाफ में लाके छोड़नी है, वो पूरा नहीं काटनी है, नहीं तो ये पूरा कट जाएगा। फिर इधर से आप काटिए, कुछ इस टाइप से ये स्ट्राइप बन जाएंगी। तो जब आप इसको पहनेंगे तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा खींच लीजिए,
ऐसे अब इसकी नोट कर लीजिए। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स आपको सेकंड स्लीव में भी करना है। ऐसे ही कर लीजिए सेम। थ्री इंच शोल्डर छोड़ के देखिए 3 इंच हमने शोल्डर पर मार्क कर लिया है, ये 3 इंच है ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे का हमने यहाँ पे 2 इंच लिया है, ये हैंड्स के 2 इंच लेके सेम आपको वैसे ही फिट करेंगे। हाँ तो ये दोनों तरफ से मैंने नॉट्स बांध लिए हैं और ऐसे करके ये स्लीव रेडी है। बट अभी आपको इसमें हेम करना पड़ेगा, तो ये आगे से हेम करना है दोनों साइड से। तो चलिए इसको हेम कर लेते हैं। तो मैंने हेम कर लिया है, अब ये रेडी है। तो ऐसा इसका लुक है, आप देख लीजिए, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही प्रिटी दिखता है। इस क्रॉप टॉप को फ्रेंड्स आप किसी भी जीन्स स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं या इसको किसी लॉन्ग श्रग के साथ टीम अप कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पिक्चर में करके दिखाया है। मैंने इसको स्कर्ट के साथ भी पहना है, जीन्स के साथ भी पहना है और इसके ऊपर लॉन्ग श्रग डाल के भी इसको स्टाइल किया। आप अपने मनचाहे तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके स्लीव्स हटा भी सकते हैं, इसको बिना स्लीव के भी पहन सकते हैं, बट ये विथ स्लीव भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड, ये था मेरा आइडिया एक लेगिंग से या ट्रैक पैंट से आपके लिए क्रॉप टॉप बना के मैंने आपको दिखाया है। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।